आदरणीय दुष्यंत जी, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी और जेजेपी के सभी नेतागण, अधिकारीगण, कार्यकर्ता और जींद के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मेरी हाइट छोटी है थोड़ी। सारा ने मेरी राम राम। दोस्तों, मैं स्पेशली दिल्ली से चल के आया हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आज सवेरे 26 जनवरी की परेड राजपथ पे मौजूद था। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ 12 बजे, सीधे गाड़ी में बैठ के आप लोगों के बीच में आपसे मिलने आया हूं और ये सभा खत्म होने के बाद तुरंत दिल्ली जाऊंगा। केवल और केवल आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं। मेरे पास 3 दिन पहले दुष्यंत जी का फोन आया था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं जींद में आके जींद की जनता से बातचीत करूं। मैंने तुरंत उनका निवेदन स्वीकार किया, लेकिन मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि मैंने निवेदन क्यों स्वीकार किया। कई सारे कारण हैं। अभी कुछ महीने पहले इनके परिवार में डिस्प्यूट हुआ था, जो भी हुआ था। दोस्तों, आज के जमाने में जहां सब लोग इतने स्वार्थी होते हैं, अगर किसी परिवार में डिस्प्यूट हो तो यो कहोगा झंडा मेरा, वो कहोगा झंडा मेरा, यो कहोगा पार्टी मेरी, वो कहोगा पार्टी मेरी, ये कहेगा डंडा मेरा, वो कहेगा डंडा मेरा। भाई साहब, दुष्यंत जी और दिग्विजय सिंह जी ने कहा अपने बुजुर्गों को कि जी झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी भी आपकी, चुनाव चिन्ह भी आपका। दोनों ने तय किया कि हम अपनी अलग पार्टी बना के जनता के बीच में जाएंगे और सीधे जनता से बात करेंगे। आज के जमाने में अगर कोई स्वार्थी आदमी होता, वो किसी हालत में झंडा डंडा पार्टी सिंबल देने वाला नहीं था। दुष्यंत जी, जिस दिन ये हुआ उसी दिन मेरे मन में आपके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, परसों जब मेरी दुष्यंत जी से बात हुई, वो मेरी पहली बात थी फोन के ऊपर, उससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई थी, और आज मेरी पहली मुलाकात है दुष्यंत जी के साथ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के अंदर इतने निस्वार्थ भाव से व्यवहार कर सकता है, वो उतने ही निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेगा। उनकी इसी बात का कायल होके आज मैं आप लोगों के बीच में इतनी दूर से 3.5 घंटे आने के, 3.5 घंटे जाने के इसी वजह से आया हूं। और एक इसी बात पे इन्होंने दिखा दिया अपने परिवार के साथ व्यवहार में कितने निस्वार्थ आदमी हैं। उन्होंने दिखा दिया अपने परिवार के साथ व्यवहार में कि चौधरी देवीलाल के असली वारिस वो है। उन्होंने दिखा दिया अपने व्यवहार में कि उनके मन में केवल और केवल जनता के लिए सेवा का भाव है। इसी बात पे सारे जने इस बार दिग्विजय को वोट दे देना। दोस्तों, आज से 4 साल पहले दिल्ली की जनता ने करिश्मा करके दिखाया था। दिल्ली में पहले दो ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों पार्टियों ने भाई साहब बेड़ा गर्क कर रखा था।
और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम। अचानक एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन हुआ पूरे देश। मेरे को पता है आप में से भी कई लोग अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके रामलीला मैदान पहुंचे थे। खूब बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। उस टाइम भी यही कहा करते थे जो आज दुष्यंत जी को कहते हैं, अरे ये चार छोरे हैं ये क्या करेंगे। मेरा मजाक उड़ाया करते थे ये मीडिया वाले, केजरीवाल की तो जमानत बच जाए बाकी सबकी जमानत जब्त होगी, एक सीट नहीं आने वाली इनकी, ऐसा कहते थे। और भाई साहब एक साल के अंदर जनता ने 70 में से 67 सीट दे दी दिल्ली के अंदर। आज 4 साल हो गए, जनता इतनी खुश है भाई साहब, दिल्ली की जनता इतनी खुश है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है जो 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने नहीं करा। बीजेपी वालों की पता नहीं 25-30 साल से गुजरात में सरकार है, 15 साल से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, 15 साल से इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी। कांग्रेसियों को 70 साल हो गए देश चलाते हुए, इनसे एक स्कूल नहीं सुधरा, एक स्कूल ना बीजेपी वालों ने सुधारा ना कांग्रेस वालों ने सुधारा। हमने 4 साल में दिल्ली के सारे स्कूल फन्ने खां कर दिए, शानदार कर दिए भाई साहब। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 90% आए, 90%। प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 83%, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा नतीजे आए हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में इतना शानदार काम हो रहा है, दिल्ली में बिजली हमने 1 रुपए यूनिट कर दी, 1 रुपए। हरियाणा में कितनी है भाई साहब? 7 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए यूनिट हमने 1 रुपए यूनिट कर दी भाई साहब दिल्ली में बिजली। कई नहीं है पूरे देश में 1 रुपए यूनिट, इतने काम करे। और अगर कोई शहीद हो जाए हमारा सैनिक, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, पिछले 70 साल के अंदर, आजादी के बाद 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश को लूट लिया। पहली बार दिल्ली के अंदर कुछ यंग लड़कों ने, यूथ ने, कुछ युवाओं ने मिलकर पार्टी बनाई और राजनीति बदल दी। आज हरियाणा के सामने यह मौका आया है, अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएंगे, हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएंगे। यह जींद का जो चुनाव है भाई साहब, यह जींद का चुनाव नहीं है, पूरा देश देख रहा है आज जींद की तरफ, पूरा देश देख रहा है। आज यहां पे एक नई पार्टी बनी है जेजेपी, जिसके युवा नेता हैं, और ये युवा नेता एक तरह की नई उम्मीद दे रहे हैं हरियाणा को। आम आदमी पार्टी इसीलिए इनका समर्थन कर रही है क्योंकि आज हरियाणा के अंदर एक नई उम्मीद नजर आ रही है दोस्तों। उसी किस्म की उम्मीद नजर आ रही है जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीट दी थी, उसी तरह की उम्मीद आज हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। मैं भी हरियाणा का पैदा होया हूं, सिवानी में, भिवानी में पैदा होया था। मेरे को पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग अगर राजनीति बदल सकते हैं, हरियाणा तो क्रांतिकारियों की जमीन है। दिल्ली के लोगों ने जैसे बीजेपी और कांग्रेस के छक्के छुड़ाए थे, कांग्रेस को दी थी 0 सीट और बीजेपी को दी थी 3 सीट। जींद का चुनाव सारे देशवासी देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त करा देना आप लोग। भाई साहब बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने 5 साल में बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी,
मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे से पहले दिग्विजय जी ने, दुष्यंत जी ने बड़े विस्तार में बताया किस तरह से खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क कराया हरियाणा का। यहां पे इतने हजार लोग आज जमा हैं, इतने हजार लोगों में से कोई एक आदमी बता दो खट्टर साहब ने कोई एक अच्छा काम कराओ। ये कैमरे वाले दिखा देना जी, सारे जने मानते हैं खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये कैमरे वाले घुमा लो जी, जरा दिखा देना आज टीवी में। बेड़ा गर्क करने में खट्टर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी। दोस्तों, मेरे को कई किसान मिलते हैं हरियाणा के, दिल्ली में हमारे फसल बर्बाद हुई एक बार, दो साल पहले मेरे पास कुछ किसान आए, बोले जी फसल बर्बाद हो गई, बे टाइम की बारिश आ गई। मैं खुद उठ के उनके गांव गया, 10 गांव का मैंने दौरा किया, कई किसानों के घर गया, उनके खेत में गया, मैंने देखा उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। भाई साहब, मैं 20,000 रुपए किले का, मैंने 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा घोषित करा, और 3 महीने के अंदर हर एक गांव के अंदर जाके मैं खुद जाके उनके हाथ में चेक दे के आया था। और फिर हमने पॉलिसी बना दी, हमने पॉलिसी बना दी कि अब अगर दिल्ली के किसी भी किसान की फसल बर्बाद होगी तो आपको 20,000 रुपए किले के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा योजना बना दी हमने। मेरे को बताया जा रहा है कि हरियाणा में अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हो और वो खट्टर साहब के पास जाए तो खट्टर साहब कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लो। कहते कि नहीं कहते? वो कहते इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लो। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं अगली बार वोट भी इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लेना। जब पिछली बार मोदी जी वोट मांगने आए थे, मोदी जी ने कहा था, खट्टर साहब ने कहा था किसानों की फसल बर्बाद होगी तो मुआवजा देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। अब अगर किसान जाता है कहते इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं जब तक गांव की 70% फसल बर्बाद नहीं होगी तब तक नहीं देंगे। कहते कि नहीं कहते? एक किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, हजारों करोड़ रुपए इनकी कंपनियों ने कमा लिए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, खट्टर साहब, इस बार वोट मांगने मत आना, वोट भी जाके इंश्योरेंस कंपनियों से ले लेना। दोस्तों, मेरे को बेहद दुख हुआ पिछली बार आपके अपने यहां जब मेयर के चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, अखबारों में जिस दिन चुनाव थे उस दिन या एक आध दिन पहले पूरे फुल पेज का इश्तिहार था, उसमें खट्टर साहब ने लिख रखा था मैं पंजाबी हूं और सारे पंजाबी मेरे को वोट दो। भाई साहब, इस कदर जातिवाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं स्कूल बनवाता हूं, मेरे स्कूलों के अंदर पंजाबियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, बनियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, पंडितों के बच्चे भी पढ़ते हैं, सैनियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे भी पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता। खट्टर साहब कहते हैं मैं पंजाबी हूं, पंजाबी मेरे को वोट देना, तो भाई साहब बाकी लोग मत देना। भाई साहब बाकी लोग मत देना, बेइज्जती की बात है। बिन मांगे तो मां भी दूध नहीं देती, बिन मांगे आप वोट मत देना, आपका वोट इतना भी सस्ता नहीं है। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा जी? पंजाबी भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे दोस्त हैं, दिल्ली में हम सबके लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन खट्टर साहब जिस तरह से बात करते हैं वो गलत है। वो कहते हैं मेरे को केवल और केवल पंजाबियों के वोट चाहिए। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता दस दिन पहले मेरे पास हरियाणा के व्यापारी समाज के लोग आए थे। बोले जी व्यापारी समाज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो भाई साहब आज मैं आ गया, अब ये कंफ्यूजन खत्म कर दो। अब वो सामने लिखा है कब प्लेट गिरा। तो अब तो नहीं है कंफ्यूजन, हो गया पूरा। सारों को, पड़ोसियों को बता देना, 48 घंटे बचे हैं। पड़ोसियों को बता देना, अपने गांव में बता देना, अपने मोहल्ले में सबको बता देना, भाई अब कोई कंफ्यूजन ना है। दूसरा, मेरे को पता चला कोई सैनी समाज के कुछ कोई खड़े हो रहे हैं। बोले जी वो सैनी समाज में भी कंफ्यूजन है। मैं भाई साहब आपको पूछना चाहता हूं, अगर वो जो भी खड़े हो रहे हैं, अगर वो सैनियों के लिए स्कूल बनवाता हो तो वोट उसको दे देना। अगर वो सैनियों के लिए कुछ भी काम करता हो तो वोट उसको दे देना, नहीं तो भाई साहब ये जाति के वास्ते मत देना। आपका दिग्विजय सिंह भाई, आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि चाहे सैनी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जाट हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंडित हो, कोई जातिवाद के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा। सबको इंसान समझ के, सबको भारत का नागरिक समझ के काम किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण समाज में भी कोई कंफ्यूजन हो, मेरे को पता चला कोई ब्राह्मण समाज का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जी कोई कंफ्यूजन मत रखना। आपसे हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, भारत की सोचो, हरियाणा की सोचो, जींद की सोचो। अगर कोई भी दूसरी पार्टी, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सैनी वाले, इनेलो वाले आपका विकास कर रहे होते, भाई साहब आज मैं आम आदमी पार्टी बंद कर देता और इनको कहता तुम भी बंद कर दो। घर जाके बैठते, पिक्चर देखते, क्या फायदा था इतना टेंशन लेने की। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तभी तो हमको पार्टी बनानी पड़ी, इतनी टेंशन ले रखी है। इस चक्रों में मत पड़ना, वो सैनियों का, वो पंडितों का, ये बनियों का, भाई साहब दिग्विजय सिंह सबका। तो मैं आया हूं आज आपसे वोट मांगने के लिए, मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने भाई के लिए वोट मांग रहा हूं। सारे जने, इनका जीतना तो पक्का है। कितने वोट से जीतना है, जैसे दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, इस बार बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त करवानी है आप लोगों ने। तो दोस्तों, मैं जैसा कह रहा था, पूरा देश देख रहा है, जींद का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। जींद का चुनाव, अगला लोकसभा का चुनाव और दिल्ली हरियाणा का विधानसभा का चुनाव तय करने वाला है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जैसे दिल्ली वालों ने चमत्कार करके दिखाया था, मेरा पूरा विश्वास है मेरे हरियाणा वाले भी चमत्कार करके दिखाएंगे। भारत माता की।